पहला टॉपिक लिखना है आज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आवर्त फलन। वैसा फंक्शन जिसका शेप एवं वैल्यू एक खास अंतराल के बाद रिपीट करता हो, आवर्त फलन कहलाता है। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका देखिए शेप आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए आपको y एक्सिस है और ये मान लीजिए x एक्सिस है। इसका एक बार शेप लीजिएगा, ये ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक इसका जो है कंप्लीट शेप होता है कि ग्राफ ऊपर जाता है, सबसे ऊपर जो है वो वन तक जाता है, जाता है ना। तो ये वन पे जाएगा कहाँ पे, पाई बाई टू पर, फिर ये डाउन आता है, गिरता है नीचे, तो नीचे आएगा तो ये कहाँ पे गिरेगा, पाई पे, फिर ये एकदम सबसे नीचे चल जाता है मतलब बॉटम में, तो बॉटम में ये माइनस वन तक जाएगा, तो माइनस वन पे जाएगा कहाँ पे, थ्री पाई बाई टू पर, और फिर यहाँ से ऊपर उठेगा ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो होता है ना वैल्यू, तो ये आपको वैल्यू हो गया टू पाई पर, यानी ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर यहाँ आ गया। तो ये कंप्लीट शेप होता है जिसको पूरा करने में इसको जीरो से टू पाई तक का दूरी तय करना पड़ता है, समझ रहे हैं। जो ही इसके आगे बढ़िएगा फिर ये शेप रिपीट करता है, सेम शेप ऐसे करके। तो ये जो शेप आपको रिपीट किया है, तो जैसे यहां से यहां तक 2 पाई लगा वैसे ही यहां 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई के बाद ये जगह होगा 3 पाई का और 3 पाई के बाद ये जगह होगा 4 पाई का। तो यहां से यहां तक का दूरी अगर देखें तो ये 2 पाई है, और यहां से यहां तक का भी अगर दूरी आप देखेंगे तो ये 2 पाई ही होगा, क्योंकि 2 पाई में 2 पाई जोड़ेंगे तब ना 4 पाई होगा। तो ये देखिए ये जो शेप है ये रिपीट किया, तो जब शेप रिपीट करता है तो वैल्यू भी रिपीट करेगा, समझ गए ना। यानी यहाँ पे साइन जीरो डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू टू पाई का होगा। अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा टू पाई प्लस 30 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि दोनों एक जगह है ना। जो वैल्यू 90 पर आप देख रहे हैं वही वैल्यू इसमें 90 जोड़ेंगे तो 360 प्लस 90 यानी 450 पर हो जाएगा, क्योंकि ये जगह देखिए सेम जगह है ना, इसी जगह पे जा रहा है। तो शेप तो रिपीट करता ही है, वैल्यू भी रिपीट करता है। तो ये साइन एक्स का जो आप कहेंगे शेप है वो आपको पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसमें एक मुद्दा उठता है कि कितना डिस्टेंस पर ये जो है शेप रिपीट करता है। जैसे यहाँ 2 पाई के बाद इसका शेप रिपीट किया, तो जिस इंटरवल के बाद इसका शेप रिपीट करता है उसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, जितना इंटरवल के बाद इसका शेप रिपीट करता है वो पीरियड कहलाता है। जैसे यहाँ पर साइन एक्स का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ साइन एक्स जो है, यानी साइन एक्स का इसको बोलते हैं आवर्तनांक, पीरियड को आवर्तनांक कहा जाता है। तो ये 2 पाई होता है, साइन एक्स का पीरियड आपको 2 पाई हो गया। क्यों, क्योंकि 2 पाई के बाद इसका शेप रिपीट मार दिया। अगला देखिए पॉइंट है पीरियड का आवर्तनांक इसको कहते हैं। जिस खास इंटरवल के पश्चात इस फंक्शन का शेप एवं वैल्यू रिपीट करता है उसे पीरियड कहा जाता है। इसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, इफ़ एफ एक्स भी यानी फंक्शन एफ एक्स कोई अगर फंक्शन हो और टी अगर उसका पीरियड है,
तो एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स हो जाएगा, यानी इस टी के बाद इंटरवल के बाद जो एफ एक्स का नेचर है आपको फिर से रिपीट कर जाता है, वही चीज़ यहाँ पर है। अगर इसमें कोई पॉइंट पकड़ें तो उसका जो भी वैल्यू है वो जस्ट टू पाई के बाद आपको जो है बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का अगर बोलेंगे पीरियड टू पाई है, इसका मतलब हो गया इस यहाँ पर टी का वैल्यू टू पाई है। ये टी का जो वैल्यू होता है वो लीस्ट वैल्यू लेते हैं। जो टी आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, टी का मान बहुत हो सकता है लेकिन जो टी का सबसे छोटा मान होता है उसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वही पीरियड कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स का पीरियड 2π होता है। साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स का पीरियड 2π होता है, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी इस कंडीशन में जब t का वैल्यू पूछेगा तो 2π होगा। ये t जो होता है ये सबसे छोटा वैल्यू होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू होता है। आपको इसे साइन एक्स का हम सेप बता दिए हैं, वैसा ही सेप किसका होता है? कॉस एक्स का भी होता है, सेक एक्स का भी अगर आप देखेंगे वैसा ही होता है। आपको वाई इजिकल टू साइन एक्स का बता दिए हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का अगर आप देखें तो ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है तो आपको बताए थे इसका सेप -90 से जो है चलता है। इसका सेप ऐसे करके ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ये नीचे जा कर के जो है यहाँ आता है। तो ये 90 है, ये 0 है, ये आपको प्लस में 90 होगा, फिर जब आगे आप बढ़िएगा तो ये 180 हो जाएगा और फिर जब आगे बढ़िएगा तो ये आपको 270 हो जाएगा। तो -90 से 270 के बीच इसका जो सेप होता है वो एक सेप होता है, कंप्लीट जिसको बोलते हैं, ये कंप्लीट सेप होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप दूरी मेज़र करेंगे तो इधर का दूरी 90, इधर का दूरी यहाँ से यहाँ तक 270, तो 270 और 90 को आप ऐड कीजिएगा कितना होगा? 360 हो जाता है, जिसको 2π बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये इसका सेप हो गया और ये इसका पीरियड हो गया 2π। अब जब इसका सेप आप आगे देखिएगा तो फिर इसका सेप रिपीट करेगा, ऐसे ही ये ऊपर जाएगा, इसका सेप ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर इसका सेप अगर देखेंगे तो ये जो कितना दूर में रिपीट किया है तो ये सेप भी आपको जो है वो 2π नज़र आएगा। बस इसमें 90 से 270 है, 270 में आप 90 जोड़िएगा तो यहाँ पहुँचिएगा तो कितना हो जाएगा? 360 में 90 जोड़िएगा तो 450 यहाँ पर आएगा, 450 में आप 90 जोड़िएगा तो 540 हो जाएगा, और 540 में अगर 90 आप जोड़ देंगे तो 630 हो जाएगा। तो आप 270 से 630 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 360 का डिफरेंस होता है। यानी कॉस का भी जो सेप होता है वो 2π के बाद रिपीट करता है, कॉस का एक कंप्लीट सेप यही होता है। अगर हम लोग सेक की बात करें, वाई इक्वल टू सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का भी सेप जो है हम लोग तो बना लिए हैं इसका डिटेल में सेप। ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है तो अगर याद हो इसका सेप एक बार ऐसे ऊपर जाता है और फिर एक बार जो इसका सेप नीचे आता है। यहाँ पर एक पतला सा लाइन आपको बोले थे ड्रॉ करने के लिए, इधर भी एक पतला सा लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो ये जगह होता है -90 का, ये जगह होता है +90 का। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो इसका सेप नीचे से आपको खुलेगा इस तरीका से। तो ये 90 के बाद आपको 180 और 180 के बाद ये
270 होता है। तो ये शेप आपका आधा ऊपर और आधा नीचे, ये मिल करके शेक का एक कंप्लीट शेप बनता है, जिसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक 270 और फिर इधर हो गया 90, तो 270 और 90 कितना हो गया 360। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका जो है एक पीरियोडिक शेप होता है, इसका टी आपको 2π होगा। लेकिन जो ही आप इससे आगे बढ़िएगा तो फिर ये शेप आपको ऊपर वाला शेप यहाँ रिपीट कर जाएगा ऐसे करके, और ये नीचे वाला शेप आपको यहाँ रिपीट कर जाएगा इस तरीका से। तो ये जो शेप आप अगर मिलाइएगा कि इसकी दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी भी आपको 2π ही नज़र आएगा। 270 में 180 जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 450 होगा, और 450 में फिर हम 180 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर लेके आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 630 हो जाएगा। तो ये गैपिंग आपको 360 का हो गया। तो ये दोनों मिल करके एक शेप होता है शेक में। तो ये वैल्यू फिर रिपीट किया, फिर आगे जाइएगा फिर रिपीट करेगा, फिर आगे जाइएगा फिर रिपीट करेगा, ये हमेशा 2π के बाद क्या होता है रिपीट करते जाता है। इसीलिए शेक का भी जो पीरियड होता है वो 2π का होता है। और सेम इसी तरह से अगर कॉसेक का भी हम देखें, वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का शेप अगर देखें तो इसका शेप भी कुछ इसी तरह का होता है। तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो कॉसेक में जो शेप होता है वो इस तरीका से होता है, और एक नीचे जाएगा इस तरीका से। ये आपको पाई होता है, 180 होता है, तो ये आपको 360 होता है। यानी कि ये वाई एक्सिस है और ये अगर एक्स एक्सिस है, तो ये इसका एक कंप्लीट जो है पीरियोडिक शेप आपको दिखता है यहाँ पे। ये आपको 2π हो गया, 180 और 180, 360 हुआ ना ये। तो ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट शेप बनता है, आधा ऊपर तो आधा नीचे। जो ही आप आगे बढ़िएगा तो फिर ये ऊपर का शेप यहाँ रिपीट कर जाएगा, और ये नीचे का जो शेप है वो नीचे में रिपीट कर जाएगा इस तरीका से। ये जो आप शेप देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी आपको 2π ही होगा, 360 ही होगा। यानी 360 में 180 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 180 अगर जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा नहीं, और 540 में अगर 180 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो आपको ये दोनों रेप शेप फिर रिपीट किया, फिर आगे जाइएगा फिर रिपीट करेगा, फिर आगे जाइएगा फिर रिपीट करेगा। यानी हर एक जो है 2π इंटरवल के बाद आपको शेप रिपीट करता है। तो साइन का भी पीरियड 2π, अभी जस्ट देखे थे पीछे एग्जांपल में। कॉस का भी पीरियड 2π, कॉस का भी शेप रिपीट मारता है 2π के बाद। सेक का भी शेप रिपीट मारता है 2π के बाद, और कॉसेक का भी शेप रिपीट मारता है 2π के बाद। इसीलिए याद रखना आपको साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स का जो पीरियड होता है वो 2π होता है।